तो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपीटी ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो गाइस कल आ चुका था मैं अपनी दीदी के यहाँ पे, और यहाँ पे स्वागत हुआ था, आपने देखा ही था कैसा हुआ था। बाकी ये रहे अपने भांजे और राजा भाई, आजा, ये सिस्टर है, ये भांजा है। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कहीं घूमने के लिए। अहमदाबाद में कोई जगह है, वो अपने को यही घुमा के जा रहे हैं, इन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये कैमरा नहीं है, वो है कैमरा, ये सेल्फी स्टिक है। चलो फिर इधर गई, और ये थोड़ा बोलता है ना, उसकी बोली सुनाऊंगा आपको। ठीक है, चलो चलते हैं जी। अभी तो ये अभी अपने को कहाँ पे लेके आया तू? तांतरिया। तांतरिया, ये क्या है? यहाँ पे खेलने की जगह होती है। अच्छा, घूमने की जगह होती है। अच्छा, भाई अभी हम आए हैं कांकरिया, और ये मतलब घूमने फिरने की जगह पे। यहाँ पे मतलब झूले वगैरह लगे हुए हैं और लेक वगैरह है, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। गेट नंबर 4 से आए हम, और सामने की तरफ वहाँ पे पार्किंग थी। बाइक से आए हैं 4 जने, तो गलती है वैसे तो, बट पार्किंग थी वहाँ लगा दी। 40 रुपये पार्किंग है बाइक के। सो भाई अंदर आ चुके हैं, और अंदर के अपने चार्जेस लिए गए हैं। अपने लिए गए 10, और बच्चों के लेते हैं 5 रुपये, है ना भाई? और टिकट फाड़ दी गई है अभी। ये सिर्फ एंट्री फीस है, इसके अलावा जो अंदर एक्टिविटी है ना, अदर एक्टिविटी, उनके चार्जेस अलग हैं। जू बना हुआ है, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, और अभी आपको ट्रेन दिखाऊंगा, ट्रेन वगैरह चल रही है, तो काफ़ी कुछ एक्टिविटी है, झूले वगैरह लगे हैं, तो उनके चार्जेस अलग हैं सबके। हाँ बोल, तू जा खेल खेल, वो झूलों की तरफ भग गया वो, देखो। अंदर की साइड जू भी बना हुआ है, तो जू देखने के लिए भी जा रहे हैं। और यहाँ की टिकट प्राइस बाहर लिखे हुए हैं, वो अपने को नहीं समझ आए, बट टिकट ले लिया हमने। टिकट है 50 रुपये की एडल्ट की, और बच्चों की है 30 रुपये की। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तुम पहले गए हो क्या? बच्चे बाड़ी नहीं गया क्या? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं जू देखने, एक आधे गए हैं एक आधे नहीं गए, तो देखते हैं भाई कैसा रहता है। जू देखने जा रहा हूँ, शेर दिख जाए, बाघ दिख जाए, चीते लोग हैं, चीता दिख जाए, बस मजे आ जाएंगे। ओहो बच्चे, भीड़ बहुत आई हुई है भाई। सबसे पहला जो अपने को जानवर दिखा है वो है हाथी, हाथी राजा, वो खड़े सामने। काफ़ी बड़े से हैं भाई, बहुत बड़े हैं, दूर है, बट पास होते तो अपने को ले जाते खींच के अंदर। गन्ना खा रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं। वो क्या है भाई सामने उस तरफ? टाइगर भाई। तेरे को छोड़े अंदर? पक्का एक बार में ले जाएगा वो भाई? सामने टाइगर है, ये देखिए आराम से बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं है, जब इसको भूख लगेगी ये दहाड़ने लगेगा। तो ये था भाई वाइट टाइगर जो हमने आपको दिखा दिया, वो बैठा भाई सामने, निश्फिक्र बैठा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्या देखने का भाई? बहुत कुछ जानवर देखने को मिलने वाले हैं आज। क्यों हो तू भी एक जानवर है क्या? ऐसे क्यों कर रहे हैं? लोयन अभी दिखाते हैं, लोयन साइड में चल, तो अंदर से कुछ आ जाए तेरे को उठा ले जाए तो अच्छी बात है। तो भाई हिरण हिरण हिरण, बहुत सारे हिरण, इसमें वाइट हिरण भी है सामने की तरफ, ये देखो बहुत सारे हिरण है भाई। सबसे प्यारा जो जानवर लगता है मेरे को हिरण, जंगली जानवर जो मतलब लगता है ना, वो हिरण लगता है। ये देखो वाइट हिरण देखने को मिल गया आज अपने को फर्स्ट टाइम, वाइट हिरण वाइट लड़की। वाइट हिरण वाइट लड़की, सही है ना? तो भाई ये था यहाँ का जू जो देखा, मस्त था, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा भाई? सब लोगों को कतई जहर भाई, मस्त था। अंदर तो बहुत सारे एनिमल भी थे, बर्ड्स भी थे, मजा आ गया। अभी चलते हैं आगे क्या है और वो भी देख लेते हैं। कैसा लगा? गजब भाई गजब सर है? चलते भाई जहाँ भी आए, जो बोलेंगे वहाँ जाएंगे, इनके पीछे पीछे हम तो। सांप हाउस भाई, सांप हाउस के अंदर जा रहे हैं, जू के अंदर ही है, इंक्लूड है इसके अंदर। ओ हो 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 भाई, अलग तरह के दिख रहे हैं ये तो, देखो क्या बात है। किधर है सांप? ये वाले सांप देखने के मुझे क्या बोलती पब्लिक। सामने देखो ग्रीन एनाकोंडा भाई, कितना ही बड़ा है ये भाई। सांप क्या गुच्छों में पड़े हैं यार, ऊपर की तरफ देखो कितने सारे हैं, नीचे देखो कितने सारे हैं, वाह बहुत ज़्यादा हैं। बट इनको ना पूरा जो शीशा है उसके अंदर पैक किए हुए हैं।
तो भाई जू देख लिया, अभी जा रहे हैं यहाँ पे हॉन्टेड हाउस है, भूत बंगला जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो देखने के लिए। तो चलेगा भाई हॉन्टेड हाउस है, तो अभी वहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है। बाकी वो डरेगा बच्चा है, फिर भी उसको लेके जा रहे हैं, डरेगा तभी मजा आएगा। और दोस्तों वैसे यहाँ पे है ना काफ़ी सारी स्टॉल वगैरह लगी हुई है, दुकानें वगैरह है, आइसक्रीम कुछ भी नाश्ता पानी करना हो उसके लिए शॉप वगैरह बहुत सारी है अंदर। और यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं कांकरिया लेक, इसके अंदर बोटिंग भी होती है, स्पीड बोट वो देखो वो आ रही सामने से, तो वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं 130-250 रुपये चार्जिस अगर आपको खुद को चलानी है तो। कह रहा भाई हॉन्टेड हाउस। हाँ भाई चलने का अभी बता दे, नहीं चलने का, चलेगा पक्का, डरेगा नहीं, आप कैसे चिपक जाओगे, मेरे चिपक जाएगा, चल 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 चल। और अभी टिकट लेते हैं चलते हैं, चलो 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 चलो। ये है क्या भाई, ये है क्या भाई, ये हाल है लड़कियों का। चलो 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 बस गए, बस गए, ये हाल है इसका, ये देखो क्या हुआ, रोयोगे तो रे हाथ कटू आ गयो, ओ भाई चलो 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 चलो, अब तो होना चलो चलो भाई। अभी हॉन्टेड हाउस गए थे, उसमें तो काफ़ी मज़ा आया और मज़ेदार था, पर डर लगा थोड़ा बहुत मुझे, नहीं छोटे उसको गणेश को, नहीं गणेश को डर लगा अपने को नहीं। अभी आए झूला झूलने के लिए, टिकट वगैरह लिए, यहाँ के प्राइस हैं जो 80 रुपये हैं एडल्ट के और बच्चों के 150 रुपये, जिसमें 10-12 राइड फ्री दी जाती है, तो ये प्राइजेस हैं, प्राइजेस भी बता दिए आपको। तो ये एडल्ट के जो 80 रुपये ले जाते हैं, उसमें जो एडल्ट के झूले हैं ना बड़े वाले झूले, उनमें से किसी एक झूले को आप झूल सकते हो और बाकी सारे देख सकते हो, और बच्चों के 150 में सारे हैं, अनलिमिटेड हैं। तो अपन जा रहे हैं भाई इस वाले में, ये 360 घुमाएगा, मज़ा आने वाला है। वही स्टार्ट हो चला है अपना झूला, देखते हैं कैसा रहता है, ब्रो फोन ना गिर जाए। Ha ha ha!
तो है ना। झूले भी झूल लिए, अभी जा रहे हैं वापसी और मस्त था भाई यार, अच्छा लगा। क्यों नहीं जाना, ये अभी भी कह रहे हैं और चलाओ, चलते हैं भाई। रात हो गई है तो अभी चलते हैं, रास्ते में कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद घर निकलेंगे। कुछ गुजराती टेस्ट जो है ना, गुजराती जो होती है वो खाएंगे। गुलाब जामुन गुजराती कब से हो गए भाई? चलो देखते हैं रास्ते में, रात हो गई काफी ज्यादा। कितना टाइम हो गया, 8 बज गए होंगे लगभग।